बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूं, ये है हुंडई सेंट्रो। मॉडल की अगर बात की जाए तो 2005 मॉडल है। व्यूअर्स, आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल से बताऊँगा, गाड़ी की प्राइस और लोकेशन के बारे में बताऊँगा, गाड़ी की कंडीशन के बारे में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आप कैसे खुद गाड़ी के मालिक से रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आपने हमारा चैनल शान सेलर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लेना है ताकि आपको इस तरह की कार सेल से रिलेटेड मजीद वीडियोस बिला नागा मौसूल होती रहें। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की जाने। व्यूअर्स, आज की जो गाड़ी है ये है हुंडई सेंट्रो। मॉडल की अगर बात की जाए तो 2005 मॉडल है। अब अगर इस गाड़ी की माइलेज की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है 82,000 किलोमीटर अपनी माइलेज कंप्लीट कर चुकी है। फिर इस गाड़ी के फ्यूल की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है पेट्रोल पे है। अब अगर इस गाड़ी की कंडीशन की बात की जाए तो गाड़ी जो है कंडीशन वाइज इंतहाई मिंट कंडीशन कार है। गाड़ी के व्यूअर्स, एक्सटीरियर पर आपको किसी किस्म की कोई भी टचिंग, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं नजर आते। फिर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो गाड़ी का जो इंटीरियर है इंतहाई नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। गाड़ी के इंटीरियर पे भी आपको किसी किस्म का कोई भी स्पॉट, कोई भी निशान वगैरह नहीं नजर आता। व्यूअर्स, ये गाड़ी जो है पावर स्टेयरिंग के साथ है। अब अगर व्यूअर्स गाड़ी की सीट्स वगैरह की बात की जो गाड़ी की सीट्स है इस पर जेन्युइन लेदर की पोशिश इंस्टॉल हुई हुई है। इसके अलावा इस गाड़ी की अगर सील्स की बात की जाए तो गाड़ी की जो डोर की सील्स हैं तमाम डोर की सील्स 100% ओके हैं, कोई भी सील अपनी जगह से उखड़ी हुई नहीं है। व्यूअर्स, गाड़ी के टायर और रिम्स वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी के जो टायर्स और रिम्स हैं बिल्कुल 10x10 है। अब अगर व्यूअर्स गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी के ओनर का कहना है कि गाड़ी इंजन वाइज 100% ओके है, मैकेनिकली गाड़ी 100% फिट है, मैकेनिकली गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई भी काम होने वाला नहीं है। और इस गाड़ी के अगर इंजन रूम को देखा जाए तो गाड़ी का जो इंजन रूम है इंतहाई नीट एंड क्लीन इंजन रूम है। गाड़ी का जो इंजन रूम है बिल्कुल रस्ट फ्री इंजन रूम है। और इसके अलावा गाड़ी के शॉक हब वगैरह को देखा जाए तो इस गाड़ी के जो शॉक हब वगैरह हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं और अपनी जगह पर कायम है। व्यूअर्स, अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो तो अपने शॉक हब वगैरह से पकड़ाई देती है, इस गाड़ी के शॉक हब जो है बिल्कुल ओरिजिनल है और अपनी जगह पर कायम है। अब अगर इस गाड़ी में बाकी चीज़ों की बात की जाए तो इस गाड़ी के ओनर का कहना है कि ये गाड़ी जो है इनकी होम यूज कार है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो है इंजन, सस्पेंशन, हर चीज़ 100x100 है। इसके अलावा इस गाड़ी के अगर एसी की बात की जाए तो गाड़ी का जो एसी है चिल एसी है और वर्किंग हालत में है। फिर इस गाड़ी में जो है कंपनी फिटेड सीएनजी भी इंस्टॉल हुई हुई है, लेकिन फिर इस गाड़ी जो है ज़्यादातर पेट्रोल में ही इस्तेमाल में रही है। फिर इस गाड़ी के ओनर का कहना है कि गाड़ी में किसी भी किस्म का कोई भी काम होने वाला नहीं है, आपने जस्ट गाड़ी खरीदनी है और चलानी है। व्यूअर्स, अब अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट हैं और जेन्युइन हैं और इनके पास अवेलेबल हैं। फिर इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये गाड़ी जो है लाहौर नंबर पर रजिस्टर्ड हुई हुई है और फिर इस गाड़ी के जो है लाइफ टाइम टोकन टैक्स वगैरह पेड हुए हुए हैं। फिर इस गाड़ी की जो लोकेशन है ये भी मॉडल टाउन लाहौर की है। अब अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो इस गाड़ी की जो कॉलिंग प्राइस है ये तकरीबन 6,35,000 रुपये इस गाड़ी की कॉलिंग प्राइस मांगी गई है। और गाड़ी के ओनर का कहना है कि आप अपने साथ डेंटर, पेंटर या कोई भी एक्सपर्ट बंदा ला सकते हैं और गाड़ी की मुकम्मल तसल्ली के बाद गाड़ी की डील कर सकते हैं। गाड़ी की प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, आपको अगर ये गाड़ी पसंद है और आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस गाड़ी का लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके गाड़ी के मालिक से राबता कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लेना है ताकि आपको इस तरह की कार सेल से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ बिला नागा मौसूल होती रहें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।